एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मेरठ में देर रात आंधी के चलते भीषण आग लग गई। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गंगानगर थाने में खड़े वाहनों में भीषण आग लगी है। आंधी के चलते बिजली के तारों से निकली है चिंगारी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया है। तो इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साथ में आप देख सकते हैं। कई वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। कल जबरदस्त आंधी आई, जिसके बाद के भीषण हादसा, बिजली के तारों से निकली चिंगारी से आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। मेरठ से बड़ी खबर, गंगानगर थाने में खड़े वाहनों में भीषण आग। पारस गोयल जीवीडीआई रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। पारस, क्या अपडेट है और अब क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए बिल्कुल, ये पूरा मामला मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र का है, जहां थाना परिसर के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायरों में अचानक से चिंगारी शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट के कारण थाना परिसर में खड़े वाहनों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को हुई, तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। हालांकि आग इतनी विकराल थी कि थाना परिसर के अंदर जो वाहन खड़े थे, लगभग 100 से ज्यादा वाहन थाना परिसर के अंदर खड़े थे, आग ने पूरी तरह से उनको अपनी चपेट में ले दिया और 100 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत रहे कि कोई पुलिसकर्मी इसमें हताहत नहीं हुआ। जो पुलिसकर्मी थाना परिसर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव